तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़े ही रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे, साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रैनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीस ने और एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉनबर्ग ने, बिली बेबर ने। और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस। और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम है इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का कैरेक्टर प्ले किया है, जज रैनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का कैरेक्टर प्ले किया है, जॉहन एस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का कैरेक्टर प्ले किया है, लीजा एल्वेचर ने जेनीट समर्स का कैरेक्टर प्ले किया है, स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का कैरेक्टर प्ले किया है, रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का कैरेक्टर प्ले किया है, ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है, ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को, काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का और म्यूज़िकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और
यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो जरूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 1,94,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्म रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़ी ही रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रैनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीज ने और एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉर्नबर्ग ने, बिली बेबर ने। और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस। और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम है इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का कैरेक्टर प्ले किया है। जज रैनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का कैरेक्टर प्ले किया है। जॉहन एस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का कैरेक्टर प्ले किया है। लीजा एल्वेचर ने जेनीट समर्स का कैरेक्टर प्ले किया है। स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का कैरेक्टर प्ले किया है। रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का कैरेक्टर प्ले किया है। ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में।
उसके अगर जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है। ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को। काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का और म्यूजिकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 1,94,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्म रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़े ही रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रैन होल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीस ने और एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉनबर्ग ने, बिली बेबर ने। और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस। और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम है इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से
एक्टर ने किसका करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में? लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का करैक्टर प्ले किया है। जज रेनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का करैक्टर प्ले किया है। जॉहन अस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का करैक्टर प्ले किया है। लीजा एलवेचर ने जेनीट समर्स का करैक्टर प्ले किया है। स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का करैक्टर प्ले किया है। रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का करैक्टर प्ले किया है। ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके अगर जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है। ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को। काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का और म्यूज़िकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 1,94,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़ी ही रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही मैं आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रेनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीज ने और एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉर्नबर्ग ने, बिली बेबर ने। और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड
फाल्टरमेयर ने, और प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस, और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का करैक्टर प्ले किया है। जज रेनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का करैक्टर प्ले किया है। जॉहन अस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का करैक्टर प्ले किया है। लीजा एलवेचर ने जेनीट समर्स का करैक्टर प्ले किया है। स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का करैक्टर प्ले किया है। रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का करैक्टर प्ले किया है। ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके अगर जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है। ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को। काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का और म्यूजिकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 1,94,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्म रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़ी ही रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही मैं आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने।
प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने, और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रेनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं, और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीस ने, और एडिट किया है इस मूवी को आर्थुर कॉनबर्ग ने, बिली बेबर ने, और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने, और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस, और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम है इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 मिलियन का रहा था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का कैरेक्टर प्ले किया है, जज रेनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का कैरेक्टर प्ले किया है, जॉहन एस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का कैरेक्टर प्ले किया है, लीजा एल्वेचर ने जेनीट समर्स का कैरेक्टर प्ले किया है, स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का कैरेक्टर प्ले किया है, रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का कैरेक्टर प्ले किया है, ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके अगर जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है। ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को, काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था, और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का, और म्यूज़िकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 194,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़े ही रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे,
कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रेनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीस ने और एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉनबर्ग ने, बिली बेबर ने। और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस। और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम है इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का करैक्टर प्ले किया है, जज रेनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का करैक्टर प्ले किया है, जॉहन एस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का करैक्टर प्ले किया है, लीजा एल्वेचर ने जेनीट समर्स का करैक्टर प्ले किया है, स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का करैक्टर प्ले किया है, रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का करैक्टर प्ले किया है, ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है। ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को। काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का और म्यूजिकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 1,94,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़ी ही रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार
लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रैनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीज ने और एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉर्नबर्ग ने, बिली बेबर ने। और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस। और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम है इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का कैरेक्टर प्ले किया है। जज रैनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का कैरेक्टर प्ले किया है। जॉहन एस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का कैरेक्टर प्ले किया है। लीजा एल्वेचर ने जेनीट समर्स का कैरेक्टर प्ले किया है। स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का कैरेक्टर प्ले किया है। रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का कैरेक्टर प्ले किया है। ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके अगर जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है। ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को। काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का और म्यूजिकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 1,94,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो।
सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़, मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। तो फिल्म रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़े ही रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे, साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने, और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रैनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीस ने और एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉनबर्ग ने, बिली बेबर ने, और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस, और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम है इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का कैरेक्टर प्ले किया है, जज रैनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का कैरेक्टर प्ले किया है, जॉहन एस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का कैरेक्टर प्ले किया है, लीजा एल्वेचर ने जेनीट समर्स का कैरेक्टर प्ले किया है, स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का कैरेक्टर प्ले किया है, रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का कैरेक्टर प्ले किया है, ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है, ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को, काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है, काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को
अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का, और म्यूजिकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो जरूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 1,94,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़ी ही रिलीज़ हुई हो, लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने, और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने, और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रेनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीस ने, और एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉर्नबर्ग ने, बिली बेबर ने, और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने, और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस, और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम है इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 मिलियन का रहा था, और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का कैरेक्टर प्ले किया है, जज रेनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का कैरेक्टर प्ले किया है, जॉहन एस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का कैरेक्टर प्ले किया है, लीजा एल्वेचर ने जेनीट समर्स का कैरेक्टर प्ले किया है, स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर
मैट लैंड का कैरेक्टर प्ले किया है रॉनी कॉक्स ने। लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का कैरेक्टर प्ले किया है ब्रॉन्सन पिंचॉट ने। सर्ज का कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके अगर जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है। ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को। काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का और म्यूजिकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 1,94,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्म रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़ी ही रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही मैं आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रैनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीस ने और एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉनबर्ग ने, बिली बेबर ने। और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस। और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम है इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट
13 मिलियन डॉलर का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने 316 मिलियन डॉलर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का कैरेक्टर प्ले किया है। जज रेनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का कैरेक्टर प्ले किया है। जॉहन अस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का कैरेक्टर प्ले किया है। लीजा एलवेचर ने जेनीट समर्स का कैरेक्टर प्ले किया है। स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का कैरेक्टर प्ले किया है। रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का कैरेक्टर प्ले किया है। ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके अगर जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है। ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को। काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का और म्यूजिकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 194,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़े ही रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रेनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं।
सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीज ने और एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉर्नबर्ग ने, बिली वेबर ने, और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने, और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस, और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम है इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का कैरेक्टर प्ले किया है। जज रेनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का कैरेक्टर प्ले किया है। जॉहन अस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का कैरेक्टर प्ले किया है। लीजा एलवेचर ने जेनीट समर्स का कैरेक्टर प्ले किया है। स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का कैरेक्टर प्ले किया है। रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का कैरेक्टर प्ले किया है। ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है। ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को। काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का और म्यूजिकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 1,94,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़ी ही रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में
मिड नाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पेट्री जूनियर ने, और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पेट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रैनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं, और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीज ने, और एडिट किया है इस मूवी को आर्थुर कॉर्नबर्ग ने, बिली बेबर ने। और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने, और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस। और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम है इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 मिलियन का रहा था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का करेक्टर प्ले किया है। जज रेनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का करेक्टर प्ले किया है। जॉहन एस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का करेक्टर प्ले किया है। लीजा एल्वेचर ने जेनीट समर्स का करेक्टर प्ले किया है। स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का करेक्टर प्ले किया है। रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का करेक्टर प्ले किया है। ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का करेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके अगर जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है। ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को। काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का, और म्यूजिकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 1,94,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़ी ही रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में,
कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था। आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रैनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीस ने और एडिट किया है इस मूवी को आर्थुर कॉनबर्ग ने, बिली वेबर ने। और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस। और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम है इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का करैक्टर प्ले किया है। जज रैनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का करैक्टर प्ले किया है। जॉहन एस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का करैक्टर प्ले किया है। लीजा एल्वेचर ने जेनीट समर्स का करैक्टर प्ले किया है। स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का करैक्टर प्ले किया है। रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का करैक्टर प्ले किया है। ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है। ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को। काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का और म्यूजिकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में, सो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 1,94,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्म रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़ी ही रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो
बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही मैं आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही मैं बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रेनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीस ने और एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉर्नबर्ग ने, बिली बेबर ने। और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस। और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम है इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का करैक्टर प्ले किया है, जज रेनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का करैक्टर प्ले किया है, जॉहन एस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का करैक्टर प्ले किया है, लीजा एल्वेचर ने जेनीट समर्स का करैक्टर प्ले किया है, स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का करैक्टर प्ले किया है, रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का करैक्टर प्ले किया है, ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है, ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को, काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का और म्यूजिकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर
7.3 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 1,94,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो इसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्म में रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़ी ही रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो, साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे, साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रैनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीस ने और एडिट किया है इस मूवी को आर्थुर कॉनबर्ग ने, बिली बेबर ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम है इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का कैरेक्टर प्ले किया है, जज रैनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का कैरेक्टर प्ले किया है, जॉहन एस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का कैरेक्टर प्ले किया है, लीजा एल्वेचर ने जेनीट समर्स का कैरेक्टर प्ले किया है, स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का कैरेक्टर प्ले किया है, रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का कैरेक्टर प्ले किया है, ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके आगे जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है, ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को।
काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का, और म्यूजिकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 1,94,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्म रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़े ही रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रैनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीस ने और एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉनबर्ग ने, बिली बेबर ने। और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस। और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम है इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 million का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का कैरेक्टर प्ले किया है, जज रैनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का कैरेक्टर प्ले किया है, जॉहन एस्टॉन ने
सर्जेंट जॉन टागर्ट का करेक्टर प्ले किया है। लीजा एलवेचर ने जेनीट समर्स का करेक्टर प्ले किया है। स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का करेक्टर प्ले किया है। रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का करेक्टर प्ले किया है। ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का करेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके अगर जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है। ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को। काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का और म्यूजिकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 1,94,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़ी ही रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज रैनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया है ब्रूस सर्टीज ने और एडिट किया है इस मूवी को आर्थर कॉर्नबर्ग ने, बिली बेबर ने। और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस। और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का
5 दिसंबर 1984, रनिंग टाइम इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफ कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफ कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का करैक्टर प्ले किया है। जज रेनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का करैक्टर प्ले किया है। जॉहन अस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का करैक्टर प्ले किया है। लीजा एलवेचर ने जेनीट समर्स का करैक्टर प्ले किया है। स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का करैक्टर प्ले किया है। रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का करैक्टर प्ले किया है। ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का करैक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके अगर जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है। ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को। काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का और म्यूजिकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफ कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 1,94,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का ये मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्म रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज़ हुई मूवी बेवरली हिल्स कॉप के बारे में। यह मूवी 1984 में बड़ी ही रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को देखना पसंद करते हैं, इस मूवी के फ़ैन हैं। सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बेवरली हिल्स कॉप मूवी आप कहां पर देख सकते हो। साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा, फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की पूरी ही टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने बेवरली हिल्स कॉप मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है, कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे, कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया है, कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले डायरेक्टर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को डायरेक्ट किया है मार्टिन ब्रेस्ट ने। मार्टिन ब्रेस्ट जो कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 1979 में गोइंग इन स्टाइल मूवी को बनाया था, 1984 में बेवरली हिल्स कॉप को बनाया था और 1988 में मिडनाइट रन मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। स्क्रीन प्ले लिखा है बेवरली हिल्स कॉप मूवी का डैनियल पैट्री जूनियर ने और स्टोरी लिखी है इस मूवी की डैनिलो बैच और डैनियल पैट्री जूनियर ने। प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डॉन सिम्पसन ने, जेरी ब्रकहैमर ने। और एक्ट्रेस की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में लीडिंग रोल पर एडी मर्फी देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे जज
रैनहोल्ड देखने को मिल जाते हैं, जॉहन एस्टॉन देखने को मिल जाते हैं, लीजा एल्बाचर देखने को मिल जाते हैं और रॉनी कॉक्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी में सिनेमाटोग्राफी किया ब्रूस सर्टीस ने और एडिट किया इस मूवी को आर्थुर कॉनबर्ग ने, बिली वेबर ने, और म्यूज़िक किया है इस मूवी का हरॉल्ड फाल्टरमेयर ने, और प्रोडक्शन कंपनीज है इस मूवी के डॉन सिम्पसन, जेरी ब्रकहैमर फिल्म्स, एडी मर्फी प्रोडक्शंस, और डिस्ट्रीब्यूट किया है बेवरली हिल्स कॉप मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने। रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 5 दिसंबर 1984। रनिंग टाइम है इस मूवी का 105 मिनट्स। बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी का बजट $13 मिलियन का रहा था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $316 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कास्ट की बात कर लेते हैं, एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। लीडिंग रोल में एडी मर्फी ने डिटेक्टिव एक्सेल फॉले का कैरेक्टर प्ले किया है। जज रेनहोल्ड ने डिटेक्टिव विलियम रोजवुड का कैरेक्टर प्ले किया है। जॉहन एस्टॉन ने सर्जेंट जॉहन टागर्ट का कैरेक्टर प्ले किया है। लीजा एल्वेचर ने जेनीट समर्स का कैरेक्टर प्ले किया है। स्टीवन बर्कऑफ ने विक्टर मैटलैंड का कैरेक्टर प्ले किया है। रॉनी कॉक्स ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बोगोमिल का कैरेक्टर प्ले किया है। ब्रॉन्सन पिंचॉट ने सर्ज का कैरेक्टर प्ले किया है इस मूवी में। उसके अगर जॉनर की बात करें तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी एक बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवी है। ज़रूर से आपको पसंद आएगी अगर आपको बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है। मार्टिन ब्रेस्ट द्वारा काफ़ी बढ़िया डायरेक्ट किया गया है इस मूवी को। काफ़ी अच्छा टीम है इस मूवी का, पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है। काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया था। और जब ये मूवी 1984 में रिलीज़ हुई थी तो इस मूवी को अवार्ड भी मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का और म्यूज़िकल कॉमेडी मूवी का बेस्ट मोशन पिक्चर का। और यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सक्सेसफुल साबित हुई थी और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी 1984 की यूएस में। सो ज़रूर से आपको देखना चाहिए। उसके आगे बात करें आईएमडीबी रेटिंग की तो बेवरली हिल्स कॉप मूवी को आईएमडीबी पर 7.3 out of 10 का रेटिंग मिला है। लगभग 1,94,000 लोगों ने वोट्स किया है इस मूवी के लिए। कहाँ पर देख सकते हो उसकी बात करें तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। सो आज का यह मूवी रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें।